नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स शरीफ के अवसर पर आज चितगुप्पा में स्थानीय युवकों द्वारा फतेहा कार्यक्रम किया गया आयोजित। धर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। टी राजा सिंह की रैलियों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बोले डीएम और एसपी सुनिश्चित करें कि न हो हेट स्पीच। देश में तेजी से फैल रहा JN.1 का संक्रमण, अब तक 1226 मामले, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केस। उद्धव शिवसेना विधायक राजन सालवी के परिसरों पर एसीबी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप। 22 जनवरी को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की रहेगी छुट्टी, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स शरीफ के अवसर पर आज चितगुप्पा में स्थानीय युवकों द्वारा गांधी चौक में फतेहा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौलाना अख्तर हुसैन ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की फतेहा खानी की, फिर देश में शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। फतेहा खानी के बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर सैयद मजहर, सैयद अरबाज, सैयद वाजिद, असलम, कदीर, अल्ताफ आदि के अलावा दूसरे अन्य उपस्थित थे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के रंजोल में मदरसा इस्लामिया खैरुल उलूम में तकरीर नात प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के अवसर पर बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नात सुनाई, जिनको पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुफ्ती लई कासमी, मुफ्ती नजीर अहमद कासमी, मुफ्ती असलम सुल्तान कासमी, मुफ्ती अल्ताफ कासमी रहे। इस मदरसा के अध्यक्ष हजरत मौलाना फारूक कासमी रहे। अलहाज मोहम्मद अली चेयरमैन, खैरुल उलूम के सभी सदस्य उपस्थित थे। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जिस तरह की सरपरस्तों को अगर कुछ शिकायत है तो यकीन हम लोग बोलिए हमारी
चिंता होती है, हमें फिक्र होती है, हमारी तवज्जो बढ़ती है, इसलिए आप। तालुका बसव कल्याण के ग्राम पंचायत कार्यालय सस्तापुर में ग्रामीण शिक्षा एवं स्वास्थ्य संगठन मैसूर एवं ग्राम पंचायत सस्तापुर के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्रों के लिए निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि गरीब छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना बहुत अच्छा है, सभी छात्रों को इस प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहिए। अगर उन्हें कोई सरकारी पद पाना है तो कंप्यूटर शिक्षा बहुत जरूरी है। गरीब छात्र पैसे देकर कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए युवाओं को इस संगठन द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में ठीक से सीखना चाहिए और अपने जीवन को आकार देना चाहिए। और कहा कि यदि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राजकीय उच्च विद्यालय की प्रधान शिक्षिका श्रीमती रेखा ने कहा कि आज के युग में भले ही हमें कोई भी डिग्री मिल जाए, भले ही हमारे पास कंप्यूटर शिक्षा नहीं है, इसका मतलब है कि हम अनपढ़ हैं। इसलिए युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और कौशल विकसित करना चाहिए ताकि युवक युवतियों को किसी भी क्षेत्र में नौकरी मिल सके। संगठन के जिला समन्वयक नागराज सिलवंत ने कहा कि संगठन बसव कल्याण तालुक के 40 गांवों में बच्चों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ काम कर रहा है। संगठन मुख्य रूप से बाल श्रमिकों के साथ काम कर रहा है और सभी बच्चों को अपना बचपन का जीवन स्कूल में बिताना चाहिए और चाहिए किसी भी कारण से श्रमिक क्षेत्र में ना रहें। और ये प्रशिक्षण केंद्र लगभग 4 महीनों के लिए होगा और युवा पुरुषों और महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं है। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्रामीण एवं संस्था के कर्मचारी उपस्थित थे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस मौके को पूरा देश एक बड़े त्यौहार की तरह मना रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में पहले से ही भगवा झंडे लहरा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के चित्र और अंजनेय के चित्र वाले झंडे धारवाड़ से कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। धारवाड़ में करीब 3 लाख भगवा झंडे बनाए जा रहे हैं और झंडों की तैयारी जोरों पर चल रही है। यहां से झंडे कर्नाटक समेत कई राज्यों में निर्यात किए जा रहे हैं। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को बेंगलुरु के कंठीरवा स्टेडियम में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ प्रथम बेंगलुरु इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज भी खेला। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, हम सभी धर्मों और समुदायों में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नाम में ही राम है, मेरे नाम के साथ भगवान शिव का नाम है, हम सभी हिंदू हैं। हमारा मानना है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के आरोपों का लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और तेलंगाना की गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी के बीच रायपुर में होने वाली रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि बुधवार 17 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रायपुर के डीएम और एसपी से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि हिंदू जनजागृति समिति रैली में कोई नफरती भाषण न दिया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हेट स्पीच का जो भी आरोप है उसमें संबंधित पक्ष कोर्ट के सामने नहीं है, लेकिन हम एसपी और डीएम को निर्देश देते हैं कि वो अधिकार क्षेत्र में हेट स्पीच ना होने दें, दोनों ये सुनिश्चित करें। रैली वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए जिनमें इवेंट की रिकॉर्डिंग होगी, और अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सकेगी।
कुतुबुल्लाहपुर के उस्मान नगर कोल्लोर पुलिस स्टेशन ने ओडिशा के रहने वाले चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की गई 1 किलो सोने और नकदी राशि जब्त की और प्रेस मीट कर इस संबंध में जानकारी साझा की। बताया गया कि लोग घर में काम करने के लिए आए थे और चोरी की माल को लेकर फरार हो रहे थे, तो वहीं इस कोशिश में वो थे, लेकिन पुलिस ने सफल कार्रवाई करते हुए उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने कहा किसी को काम पर रखने से पहले आधार कार्ड लेकर अपने करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें ताकि फिर कोई ऐसी चोरी की घटना ना होने पाए। कुतुबुल्लापुर से किप न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। कोविड-19 का नया वेरियंट JN.1 तेजी से अपने पैर पसार रहा है। भारतीय ARSCoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार देश में JN.1 के 1226 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। INSACOG की डेटा के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वेरिएंट की उपस्थिति का पता लगाया गया है। कर्नाटक में JN.1 सब वेरिएंट के 234 मामले, आंध्र प्रदेश में 189, महाराष्ट्र में 170, केरल में 156 और पश्चिम बंगाल में 96, गोवा में 90, तमिलनाडु में 88 और गुजरात में 76 मामले। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने गुरुवार को रत्नागिरी जिले में शिवसेना विधायक राजन सालवी के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की। विधायक राजन सालवी और उनके परिवार के 2 सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मामला दर्ज किया गया। शिवसेना विधायक के 5 परिसरों में ACB की ठाणे इकाई ने छापेमारी की। 3 बार के विधायक सालवी राजापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सालवी 2009, 2014 और 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लगातार 3 बार चुने गए। एक अधिकारी के अनुसार सालवी की पत्नी और बेटे ने 3.53 करोड़ की संपत्ति अर्जित की जो कि उनकी आय से अधिक है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 3रा दिन है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान मंगलवार से प्रारंभ हुआ था। 22 जनवरी को नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। केंद्र सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर देश भर में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे तक देशभर में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। इसमें केंद्र सरकार के कार्यालय और स्कूल आदि शामिल है। ऐसा इसलिए ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकें। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से राम मंदिर को लेकर फीडबैक भी लिया है। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस TMC की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 16 जनवरी 2024 को सरकारी बंगला खाली करने से जुड़ा एक नोटिस मिला था। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस गिरीश कटपलिया की बेंच के सामने उनका मामला लिस्ट किया गया है। दरअसल संपदा निदेशालय की ओर से TMC नेता को मंगलवार को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के लिए बेदखली का नोटिस जारी हुआ था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों की ओर से यह जानकारी समाचार एजेंसी PTI को दी गई थी। मोइत्रा को मंगलवार को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया। अब संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम इस सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला यथाशीघ्र खाली कराया जाए। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आप नेता अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से नाराज थे। अशोक तंवर हरियाणा के जाने माने नेता हैं। आम आदमी पार्टी से पहले वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे सिरसा लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। गुरुवार को पार्टी के फैसले से नाराज होकर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के शामिल होने से नाराज थे, ऐसे में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मंडल कमीशन नहीं आया होता तो आज राम मंदिर न बना होता। असली सच्चाई ये है कि पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में जो ज्वाला पैदा हुई थी उसको आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालकर दिशा दी थी। ये भी राम मंदिर न बनवाते अगर मंडल कमीशन न आया होता। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते उदित राज ने कहा कि 1949 से लेकर 90 तक हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था। राम मंदिर निर्माण में अनुसूचित जाति से आने वाले कामेश्वर चौपाल की भूमिका की जब बात की गई तो कांग्रेस नेता ने कहा कि कामेश्वर चौपाल जी आपको अंबेडकर वादी होना चाहिए। हजारों सालों से दलितों को गांव के किनारे बसाया जाता था और परछाई से भी सवर्ण अपवित्र हो जाते थे, तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था। ओडिशा के गंजाम जिले में कलाकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर लकड़ी के तख्त पर हनुमान चालीसा उकेरी है। वो इसे नवनिर्मित राम मंदिर में लगाए जाने के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। गंजाम जिले के हिंजिली शहर के पास कुंचुरू गांव के अरुण साहू ने भगवान हनुमान की छवि की नक्काशी करने के साथ 5.6 फुट ऊंची और 30 इंच के लकड़ी के फ्रेम में हनुमान चालीसा उकेरी। हिंदी भाषा में अक्षरों को गंबरी लकड़ी पर उकेरा गया है और 2 इंच मोटी लकड़ी के फ्रेम पर चिपकाया गया है। उन्होंने इसका इस तरह से रंगारोगन किया है कि लंबे समय तक टिक सके। युवाओं को ट्रेन करने के लिए साहू यहां एक संस्थान भी चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें लकड़ी पर नक्काशी को पूरा करने में लगभग 1 महीने का समय लगा। उनके कुछ छात्रों ने अक्षरों को उकेरने और चालीसा के 40 छंदों या दोहों का रूप देने के लिए उन्हें चिपकाने में मदद की। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स शरीफ के अवसर पर आज चितगुप्पा में स्थानीय युवकों द्वारा फतेहा कार्यक्रम किया गया आयोजित। धर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। टी राजा सिंह की रैलियों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार बोले डीएम और एसपी सुनिश्चित करें कि न हो हेट स्पीच। देश में तेजी से फैल रहा JN.1 का संक्रमण अब तक 1226 मामले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केस। उद्धव शिवसेना विधायक राजन सालवी के परिसरों पर एसीबी की छापेमारी आय से अधिक संपत्ति का आरोप। 22 जनवरी को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की रहेगी छुट्टी केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।